चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोरोना की। तो कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार नजर आ रही है। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, और 3 बजे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया मीटिंग करेंगे। राज्य में कोरोना के हालात को लेकर चर्चा इस मीटिंग में की जाएगी। तो लगातार देखिए सतर्क है केंद्र सरकार कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर, और आज भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया मीटिंग करने वाले हैं। दोपहर 3 बजे ये मीटिंग होगी। सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ मनसुख मांडविया ये मीटिंग करेंगे। आगे आने वाले समय में कैसे तैयार रहना है सभी राज्यों को, क्या क्या इंतजाम है सभी राज्यों में कोरोना को लेकर, इसे लेकर भी जानकारी जुटाएंगे। और कल भी आपने देखा था लोकसभा और राज्यसभा में अपना बयान उन्होंने रखा था, कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अपनी बात रखी थी। ये भी कहा था कि भारत में हालात जो है वो नियंत्रण में है, लेकिन आगे आने वाले समय के लिए हमें अपनी तैयारी पूरी करके रखनी होगी। तो देखिए देश में कोरोना के, अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। खतरे की बात करेंगे तो कोरोना को लेकर पीएम मोदी ने सभी से अपील की है कि सभी मास्क पहने और कोविड नियमों में ढिलाई ना बरती जाए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने खास तौर से एयरपोर्ट पर बाहर से आने वाले यात्रियों पर कड़ी निगरानी रखने और जीनोम सिक्वेंसिंग के साथ ही टेस्टिंग पर भी ध्यान देने की बात कही है। प्रधानमंत्री ने गुरुवार को गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री और अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की थी, और ऐसे में माना जा सकता है कि कोरोना को लेकर जल्द ही कोई नई गाइडलाइन भी जारी हो सकती है। तो स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री भी अब सतर्क है। कल एक हाई लेवल मीटिंग उन्होंने की थी तमाम विशेषज्ञों के साथ में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ में, और अब ये माना जा रहा है कि जल्द ही कोरोना को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी हो सकती है। और ट्वीट करके भी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो किया जाए, मास्क को एक बार फिर से अपने रूटीन में लाया जाए, क्योंकि लगातार देखिए दुनिया भर के कई ऐसे जो देश हैं जहां पर एक बार फिर से कोरोना दस्तक देना शुरू हो गया है। कोरोना तो जो नया वेरिएंट है वो ज्यादा घातक बताया जा रहा है। देखिए वो जो देश है उनके नाम भी हम आपको बता रहे हैं। और अविनाश फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश देखिए दुनिया भर के देशों के साथ साथ अब कहीं ना कहीं भारत में भी अलर्ट जारी हो गया है कोरोना को लेकर। कल भी हमने देखा पूरे दिन भर बैठकों का कई दौर चला, प्रधानमंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने भी मीटिंग की। आज का दिन का कैसे अहम रहने वाला है, क्योंकि ये भी जानकारी मिल रही है कि आज स्वास्थ्य मंत्री सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। क्या मुख्य बिंदु रहेंगे इस बैठक में जिन पर फोकस रहेगा? जी देखिए अगर बात करें तो जिस तरीके से कोरोना का नया वेरिएंट BF.7 मिला है, इसके बाद से लगातार भारत सरकार सतर्क है। भारत सरकार नहीं चाहती कि कोरोना को लेकर के देश में फिर से किसी तरीके से स्थिति खराब हो, इसीलिए पहले से तैयारियों को लेकर के आम तौर से समीक्षा की जा रही है। आज अगर बात करें तो दोपहर 3 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया तमाम सारे राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनके राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से मजबूत है, किस तरीके से अस्पतालों की तैयारी है, और किस तरीके से वैक्सीनेशन चल रहा है, और ट्रैक ट्रीट और ट्रीटमेंट किस तरीके से चल रहा है। क्योंकि अगर बात करें तो कल भी मनसुख मांडविया ने बताया कि 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेस जो है तमाम सारे राज्यों को उपलब्ध कराई गई है, और जो बुजुर्ग लोग हैं, जो उम्रदराज लोग हैं या जिनको गंभीर बीमारियां हैं उनके लिए प्रिकॉशनरी डोज अब दी जाए, यानी कि जो प्रिकॉशनरी डोज है जो 2 डोज ले चुके हैं वैक्सीन की वो अब प्रिकॉशनरी डोज ले, जिससे कि कोरोना के जो नए वेरियंट है उससे पूरी तरीके से बचाव कर सके। फिलहाल अभी स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है भारत के अंदर, किसी भी तरीके से चिंताजनक नहीं है, लेकिन चिंताजनक ना हो इसके लिए तमाम सारी तैयारियां की जा रही, समीक्षा की जा रहे। इसके साथ साथ अगर बात करें तो स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने भी खत लिख दिया है सिविल एविएशन के सचिव को, और साफ तौर पे कहा है कि जितने भी यात्री विमान में यात्रा कर रहे हैं उनमें से 2% का रैंडम सैंपलिंग की जाए, जिससे कि पता चल सके। बिल्कुल देखने वाली बात है अविनाश की, क्या आज फैसला लिया जाता है जो मीटिंग होगी उसमें। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।